गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्थिक गणना के चार पार्ट वीडियो द्वारा हम पहले आपको दिखा चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक सेंसस के 5 मेन सेक्टर ट्रेड के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। व्यापार क्या होता है? किसी भी गुड्स को, किसी भी आइटम को जिस रूप में खरीदा जाता है उसी रूप में बेचा जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसको हम व्यापार कहते हैं। लेकिन हमारे इस डेफिनेशन में कहीं कहीं उसका रूप बदलते हुए बेचना भी व्यापार की श्रेणी में आता है। मैं इसके बारे में आपको अभी समझाऊंगा। व्यापार भी दो तरीके के होते हैं, एक होलसेल, एक रिटेल। होलसेल खरीददार करने, होलसेल के द्वारा जो चीज़ें सेल की जाती हैं वही रिटेलर उन चीज़ों को छोटे छोटा रूप बना के, छोटे छोटे चीज़ें करके रिटेल में बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 क्विंटल गेहूं खरीदा और 2-2 किलो, 3-3 किलो, 4 किलो करके उसको बेच दिया, तो आप जिससे खरीदेंगे, जो जिससे आप खरीद रहे हैं वो होलसेलर है और आप अपने आप में एक रिटेलर है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मेंटेनेंस वाली को भी और रिपेयर को भी हम ट्रेड में ले रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि कोई कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें हम कुछ चेंज करके भी अगर करें तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। जैसे मोटरसाइकिल की हमने रिपेयर कर ली, मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल को हमने जैसे खरीदा उसमें कुछ हमने पार्ट्स लगाए, कुछ उसमें संशोधन किया, कुछ उसका रूप चेंज किया तो हमने उसको बेच दिया, तो वो हमारे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही मोटरसाइकिल आपकी ख़राब हो गई, आप उसको ठीक कराने लगे, वो आपने ठीक करा के दे दी, वो माइनर रिपेयरिंग का जहाँ पर सवाल आएगा वो भी आपका एज ए ट्रेडिंग आएगा। अब ट्रेडिंग के भी बहुत वैरायटी है, बहुत सारे ट्रेडिंग के कोड हैं। रिपेयर ऑफ एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को ट्रेड के रूप में ले रहे हैं, जबकि नीचे हम 46 में जब आते हैं तो हमारा सारा का सारा होलसेल ट्रेड आ रहा है। 47 से लेके हम रिटेल ट्रेड शुरू हो जाते हैं, तो 47 में हमारा 472, 473, 474, 475 आगे बढ़ते बढ़ते हम ट्रेडिंग के सारे हिस्सों को कवर करते हैं। सारे जितनी भी प्रकार की हमारी परचेज एंड सेल है वो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कही जाएगी। थैंक यू।